प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में बताएंगे। ये वो टेंस होता है जिसमें हमारे सामने जो कार्य है लगातार रूप से होते रहते हैं उनके लिए है। देखिए आगे, वर्तमान में बोलते समय जो कार्य हो रहा है या किया जा रहा है या हुए हैं, हुए हो आदि के लिए इस टेंस का यूज़ यानी प्रयोग हम करते हैं। पहचान इसकी ये है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। ऐसे ये पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में। और इसके जो एडवर्ब ऑफ टाइम यानी समय बताने वाले एडवर्ब का टेंसों के अंदर क्या है, अधिकतर बार समय बताने वाले एडवर्ब का ही यूज हम करते हैं। तो इसमें समय बताने वाले जो एडवर्ब हैं वो है नाउ, नाउ मीनिंग अब होता है, टुडे मीनिंग आज होता है, दीज डेज आजकल, ये इन दिनों, अच्छा उसके बाद में एट दिस टाइम इस समय, उसके बाद में एट दिस मोमेंट इस क्षण, या फिर एट प्रेजेंट वर्तमान में। तो ये जो इसके एडवर्ब हैं इनका प्रयोग हम वाक्य के अंत में देख पाएंगे। तो ये सारे के सारे वाक्य के अंत में हमें वाक्यों में मिलते हैं। आगे देखते हैं, चीफ वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया इसमें है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में प्लस में हम आईएनजी जोड़ेंगे। आईएनजी का मतलब होता है रहा, रही, रहे, ये मतलब होता है। तो आईएनजी जब हम इसके जोड़ेंगे तो क्रिया के अंत में, जब जैसे वर्ब के अंत में जैसे टैग लिखा टी ए के ई, तो अंत में ई आया, तो जैसे वर्ब के अंत में अगर ई होता है तो हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ई को हटाना पड़ेगा, तभी आईएनजी हम जोड़ सकेंगे। क्यों जोड़ सकेंगे ये भी बता देता हूँ, क्योंकि आईएनजी के जो शुरुआती अक्षर है आई है, ये क्या है, स्वर है। तो जिस वर्ड का शुरुआती अक्षर स्वर होता है तो आगे हम जिस शब्द के साथ में इसको जोड़ना चाहते हैं, जिस क्रिया के साथ हम इसको जोड़ना चाहते हैं, तो उसके आखिर में जो ई होता है उसको हटाना पड़ता है। वो हटेगा तभी, ये स्वर है इसलिए वो हटेगा। अगर ये व्यंजन होता तो ये ई नहीं हटता। ये दोनों बातें आप पूरी ध्यान रखिएगा, इसलिए ई को हटाकर आईएनजी जोड़ा जाएगा। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इसमें इज एम आर, तो इज एम आर ये तीनों, इज मीनिंग है, एम मीनिंग हूँ और आर मीनिंग है। ये एकवचन के लिए, ये आई के लिए होता है, ये आर बहुवचन के लिए होता है। चलिए आगे देखते हैं, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन होता है, थर्ड पर्सन आपने पर्सन प्रोनाउन के बारे में आप जानते भी होंगे, कभी मैं बताऊंगा आपको। तो थर्ड पर्सन जो है ही सी इट, ये थर्ड पर्सन होते हैं। ही पुलिंग के लिए, सी स्त्रीलिंग के लिए और इट बेजान वस्तु के लिए या जानवर के लिए, लेकिन एकवचन ध्यान रखें। या फिर सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर नाउन मीनिंग एकवचन संज्ञा के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इसका। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई के साथ एम लगेगा, तथा प्लुरल नाउन जो होता है, प्लुरल नाउन या प्रोनाउन के साथ में संज्ञा या बहुवचन, बहुवचन संज्ञा या बहुवचन सर्वनाम के साथ, जैसे वी है, वी, वी मीनिंग हम होता है, यू मीनिंग तुम होता है, दे मीनिंग वे होता है, बुक्स मीनिंग किताबें, ये सब बहुवचन के हैं। पीपल मीनिंग लोग, ये भी बहुवचन है, कलेक्टिव नाउन में आता है ये। और ये पेरेंट्स है, ये भी बहुवचन में है, चिल्ड्रन ये भी कलेक्टिव नाउन में है, लेकिन ये सब क्या है, बहुवचन में है। तो अब क्या करते हैं, इनके साथ में आर का प्रयोग हम करते हैं। तो विद्यार्थियों अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब। जब हम हेल्पिंग वर्ब, जब वाक्य को हम नकारात्मक बनाना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, नोट लगाना होगा। और नोट कहाँ लगेगा, खुले में नहीं लगता, नोट लगेगा सहायक क्रिया के तुरंत बाद। जैसे इज के बाद नोट लगाया तो इज नोट हुआ। अगर हमें इसको शॉर्ट करना है तो क्या होगा, इजेंट, इज लिख करके एन लिखेंगे, ऊपर से एपोस्ट्रॉफी डाल करके टी लिख देंगे, इजेंट हो गया ये। और एम नॉट, एम नॉट का ये एम नॉट है, ये नेगेटिव बन गया। एम नॉट का एमेंट नहीं होता, इसका एंट होगा, ध्यान रखिएगा, ए आई एन ऊपर से एपोस्ट्रॉफी डाला और टी लिख दिया, एंट, ये इसका संक्षिप्त नेगेटिव वर्ड है, ये एम नॉट का ही रूप है ये। उसके बाद में आर नॉट का आरंट हो गया, ये आप समझ चुके हैं पहले भी, आर के बाद में एन लिखा और उसके बाद में एपोस्ट्रॉफी डाला और टी लिख दिया, आरंट हो गया ये, उजान इसका आरंट रहेगा। अब इसके बाद में इंट्रोगेटिव, जब वाक्य को हम पर्सनवाचक बनाएंगे तो क्या होगा, तो हेल्पिंग वर्ब जो, जैसा कि इसमें इज है, एम है, आर है, इनके प्रत्येक के पहला पहला अक्षर है वो कैपिटल में होना चाहिए। इनको सब्जेक्ट से पहले रखकर वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब आगे देखिए स्ट्रक्चर, एसटीआर। एसटीआर का मतलब होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो होता है इसका, वाक्य बनाने का जो नियम है, वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पर कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, ध्यान रखिए हमेशा। उसके अनुसार हम इज एम आर ये लगाएंगे, उसके अनुसार लगेगा ये। उसके बाद में वर्ब फर्स्ट लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, उसके साथ में वर्ब के साथ जोड़ना है। उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड, दूसरे शब्दों को हम लिखते हैं। फिर उसके बाद में एग्जांपल देख लीजिए,
पहला सेंटेंस है मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो इसका बन जाएगा आई एम गोइंग टू टेम्पल। गोइंग टू द टेम्पल भी होता है, गोइंग टू टेम्पल भी होता है, लेकिन ध्यान रहे गोइंग टू टेम्पल तब करना है जब आप मंदिर के पुजारी हो, यानी कि आप रोज जाते हैं, रोजाना जाते हैं तो आप गोइंग टू टेम्पल करेंगे। कभी कभार जाते हैं यानी कि आपको किसी से मिलना है, आप पूजा की दृष्टि से नहीं जा रहे हैं बल्कि आपको किसी से मिलना है, कभी कभार जाते हैं आप मिलने के लिए किसी से, तो आप गोइंग टू दी टेम्पल करेंगे। उसके बाद में नेगेटिव, आई एम नॉट गोइंग टू टेम्पल, मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ, मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ। इसका क्वेश्चन में देख लीजिए प्रश्नवाचक, एम आई गोइंग टू टेम्पल, क्या मैं मंदिर जा रहा हूँ। अगला वाक्य दूसरा है, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। उसके बाद में इसका नेगेटिव बनाओगे तो आर के बाद में नॉट लगाओगे, और प्रश्नवाचक बनाओगे तो आर को पहले लिख दीजिएगा और उसके बाद में आप पूरे वाक्य को उतार दीजिएगा। एक बात और इसमें, यू आर, ये कई बार हमें योर भी लिखा हुआ मिलता है क्योंकि यू के बाद में ए को हटा दिया जाता है और ऊपर से एपोस्ट्रोफी डाल देते हैं और आर ई लिखते हैं, तो इसको यू आर न पढ़ करके योर पढ़ा जाएगा, योर लर्निंग इंग्लिश, और अर्थ इसका वही रहेगा तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। अगला वाक्य तीसरा है, वह भोजन पका रही है, तो सी इज कुकिंग, सी वह इज है, क्या कर रही है, कुकिंग, क्या कुकिंग कर रही है, डिनर, भोजन पका रही हो, शाम का भोजन पका रही है, तो ये भी आपका वाक्य हो गया। और उसके बाद चौथा वाक्य है, वे टीवी के सामने बैठे हुए हैं, जैसा कि मैंने ऊपर दिया है हिंदी में जो इसकी पहचान है उसमें पहचान के अंदर लिख रखी है, हुए हैं, हुए हो, हुआ हूँ, तो इस तरह से आप जो वाक्य के अंत में देख पा रहे हो, वे टीवी के सामने बैठे हुए हैं, यानी कि उनका बैठने का काम मेरे सामने है वो, और मैं देखे जा रहा हूँ और वो बैठे हुए हैं, तो क्या लिखेंगे, दे आर सिटिंग, तो आप सिटिंग लिखेंगे तो डबल टी हमने यहाँ किया है, डबल इसलिए किया है क्योंकि एस आई टी सीट होता है लेकिन टी से पहले स्वर है इसलिए हमने टी को दुगना किया, यानी जो व्यंजन होता है व्यंजन को हमें कंसोनेंट साउंड को डबल करना पड़ता है उसके बाद आईएनजी जोड़ेंगे, तो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ के सामने, यानी इन फ्रंट ऑफ दी टेलीविजन, टेलीविजन के सामने वे बैठे हुए हैं, बैठ रहे हैं, ये हिंदी से ही नहीं होगी, वे बैठे हुए हैं। तो विद्यार्थियों इसमें इतना ही।